दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? मुझे पुट्ठा मिल गया, मैं क्या करूं राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। मेहन साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या बाजा? ओ, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू, मेहन साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेहन साहब, क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ, ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूँ। विजय श्रीवास्तव। जी 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 जी, अंडे। चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा। बेटा जरा तू उठ गए। हेलो हेलो। अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा हेलो हेलो। कट गया। 2002 रुपए। अच्छा क्या फिर कट गया? हाँ, किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी, ये मुझे किसी बेचारे का नहीं, किसी बेचारी का नंबर लगता है। चलो खाना खाने चलो, तुम बेटा बंद करके आना। जी भैया, अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा? लो भैया, बच गई आपकी घंटी। हेलो हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों, आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं?
तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। आई हेट यू, आई लव यू। आई अडोर यू विजय। वेलकम यशवंतराव देशमुख हियर। नाइस मीटिंग यू। प्लीज। थैंक यू। यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अकलमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, तिरकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्तों से दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। त्रिकाल जान तभी लेता है जब उसके हाथ में छुरा होता है, और त्रिकाल के हाथ में इस वक्त छुरा नहीं बल्कि मेरे हाथ में है, इसलिए अब सौदा होगा। May I come in, sir? Come in. बोलो कात्रे। सर आपका शक बिल्कुल सही निकला, दीपक का बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है और पिछले 14 साल से सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। और कुछ? हीरालाल त्रिकाल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसका पार्टनर था और एक इंस्पेक्टर के कत्ल के सिलसिले में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। तब तो इस हीरालाल से हमें फौरन मिलना चाहिए। सर, आप और यहाँ क्यों? मेरा यहाँ आना मना है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप फोन कर देते मैं खुद हाजिर हो जाता। तिवारी, चमचागिरी बंद करो और कुछ काम करो। आज इस देश को चमचों की नहीं तमंचों की जरूरत है, समझे? जी, समझ गया। कैदी नंबर 214 को बुलाओ। सर, वो तो कल रिहा हो गया। कल? लेकिन उसकी सजा तो 27 तारीख को खत्म होने वाली थी। सर, वो तो जबान क्यों लड़खड़ा रही है तिवारी? कहीं जेब ज्यादा तो नहीं भर ली तुमने? सर, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे मिनिस्टर साहब का फोन आया था कि उसे रिहा कर दिया जाए। कल क्या गांधी जयंती थी? जी। गांधी के इस देश में कैसे कैसे हरामी पैदा हो गए हैं। आइए प्रताप सिंह जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूँ कि हीरालाल नाम के कैदी को
आपने वक्त से पहले क्यों रिहा करवाया? उसका चाल चलन बहुत अच्छा था। ये ख्याल आपको उसके 14 साल सजा काटने के बाद आया, जबकि उसकी रिहाई में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ मैं? हम मिनिस्टर लोग ऐसा छोटा मोटा काम तो यूं ही करते रहते हैं। काम जरूर छोटा है मिनिस्टर डीपी सिंह, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। जो शुरू होता है दीपक सिंह की किडनैपिंग से, और फिर उसकी अगली कड़ी मिलती है विजय श्रीवास्तव का जेल से भागना, त्रिकाल का गोडाउन जलाया जाना, गोगा की मौत, और फिर यशवंत देशमुख का वो बयान जो उसने तमाम जनता के सामने दिया था। इसके बीच में मैं कहां से आ गया? अगर बीच में आए तो ऐसा पीसूंगा कि दोबारा तुम्हारी औलाद भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेगी। गुड डे। ससुर जी मुझे बचा लीजिए, वरना आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। क्या हुआ दामाद जी, बताइए तो। पजामे का नाड़ा टूट गया है, इज्जत उतरने वाली है अब। कोई बात नहीं, आज से पतलून पहनना शुरू कर दो। वो पतलून भी उतार देगा, उसका नाम आईजी प्रताप सिंह है। ये अजीब मुल्क है दामाद जी, यहाँ माएं बुजदिल बेटों का नाम भी बहादुर रखती हैं, तो तुम प्रताप के नाम से क्यों डरते हो? तो फिर जल्दी से पेपर हासिल कीजिए ना। तुम फिकर मत करो, हीरा लाल के आते ही उसको और उसके बेटे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। क्यों, आप लोरी गाएंगे क्या? क्या नहीं, मेरा मतलब है कि जो आदमी ने 15 साल तक जबान नहीं खोली वो अब क्या खोलेगा। लो आ गए हीरा लाल जी। आओ आओ हीरा लाल। अरे भाई तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई जेल में? उसकी तकलीफ को छोड़िए, अपनी तकलीफ के बारे में सोचिए ना। एक तकलीफ थी त्रिकाल, कि तुझ जैसे देशद्रोही की गर्दन मेरे हाथों से बहुत दूर थी। गधे हो तुम जो मुझे देशद्रोही कह रहे हो। अरे मुझसे बड़ा देशभक्त तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सरकार इनको दिल्ली बुलाकर बहुत जल्द इनाम भी देने वाली है। दिल्ली में तिहाड़ जेल भी है, जहाँ एक ही झटके में आदमी की जबान उसके हलक से बाहर निकल आती है। हमारी जबान बाहर निकाल देंगे। जायलाग बोलने का शौक है तो छोटे मोटे कलाकारों के सामने बोला करो, अपने बाप के सामने नहीं। कागजात कहाँ हैं? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कागजात मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। पहले मेरा बेटा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? पहले मेरा बेटा मुझे दे दो त्रिकाल, उसके बाद पेपर दूंगा। लटका दो इस हरामजादे को, ले जाओ।